इस चैप्टर में हम तार सप्तक के स्वर बजाना सीखेंगे। तार सप्तक को इंग्लिश में कहते हैं हायर ऑक्टेव। हमने पिछले चैप्टर में, विच इज़ चैप्टर 3, हमने उस चैप्टर में लोअर नोट्स बजाना सीखा था और साथ ही लोअर प से लेकर हायर सा बजाना सीखा था। तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं। So, I hope you've played with me and you've done your recap with me. तो चलिए अब higher octave का सा रे ग म प बजाना सीखते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि fingers की जो भी placement है वो बिल्कुल change नहीं होती है। जैसे हमने middle octave का सा रे ग म प बजाया है, उसी तरह से हम हायर ऑक्टेव का भी सारे गमा पर बजाएंगे। देर इज़ नो डिफरेंस इन द फिंगर्स, जस्ट ये है कि हमें थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से ब्लो करना पड़ता है क्योंकि हम ऊंचे स्वर बजा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू ब्लो अ लिटिल मोर हार्डर। तो चलिए हम हायर ऑक्टेव का रे और ग बजाते हैं। आपने देखा कि प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है, जो हमने मिडिल ऑक्टेव में बजाया था वही हम हायर ऑक्टेव के सारे ग में बजा रहे हैं। अब एक बार फिर से बजा के देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है।
ऑक्टेव का सारे ग बजाना सीख लिया है, तो चलिए अब हायर ऑक्टेव का म प बजाना सीखते हैं। तो म और प बजाने के लिए भी फिंगर्स का प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस हमें ये बात याद रखनी है कि जब हम म और प बजाते हैं हायर ऑक्टेव का, तो हमें ब्लो थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से करना पड़ता है, क्योंकि म एंड प आर द हायर मोस्ट नोट्स ऑफ म्यूज़िक, इसीलिए हमें और ज़ोर से ब्लो करना पड़ता है। और जैसे ही हम सा रे ग म प, उसी तरह से हमें और थोड़ा ज़्यादा ऐसे ब्लो करते हुए प पे और सबसे ज़्यादा ब्लो करना पड़ता है। तो चलिए अब सारे ग म प साथ में बजाते हैं।